अफगानिस्तान को T20 में सीरीज हराने के बाद कप्तान रोहित का आया बड़ा बयान। शानदार शतक जड़कर टीम को जीत दिलाने वाले कप्तान ने बोला ऐसा, सब सुनते रह गए। T20 वर्ल्ड कप से पहले हिटमैन ने शतक ठोककर भारी हुंकार, आने वाली टीम भी कांप रही। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का आखिरी मुकाबला बेंगलोर के चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला गया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेट के नुकसान पर 212 रन बनाए, जबकि मेहमान 6 विकेट के नुकसान पर 212 रन ही बना सके और मैच टाई हो गया। इस मैच का नतीजा 2 सुपर ओवर में निकला, जिसमें भारतीय टीम ने 10 रनों से बाजी मार दी। इसी के साथ भारत ने सीरीज पर 3-0 से कब्जा भी कर लिया। वहीं इस मैच में मिली जीत के बाद रोहित शर्मा ने खिलाड़ी की तारीफ करते हुए बहुत बड़ी प्रतिक्रिया दी। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा इस मैच में मिली रोमांचक जीत के बाद काफी खुश नजर आए। उन्होंने रिंकू सिंह समेत कई अन्य युवा खिलाड़ियों की भी जमकर तारीफ की। T20 वर्ल्ड कप से पहले सीरीज में मिली जीत को हिटमैन ने शुभ संकेत बताया। उन्होंने बात करते हुए कहा, मुझे याद नहीं कि आखिरी बार ऐसा कब हुआ था। मुझे लगता है कि मैंने IPL के एक मैच में 3 बार बल्लेबाजी की। साझेदारी बनाना महत्वपूर्ण था और रिंकू और मैं एक दूसरे से बात करते रहे और हमारे लिए एक अच्छा खेल था। लंबी बल्लेबाजी करना महत्वपूर्ण था और हम जो इरादा दिखाना चाहते थे उसमें समझौता न करें। पिछली कुछ सीरीज जो उन्होंने खेली, उन्होंने दिखाया कि वो बल्ले से क्या कुछ कर सकते हैं। बहुत शांत और अपनी ताकत को अच्छी तरह से जानता है। वो आ रहे हैं और वही कर रहे हैं जिसकी उनसे अपेक्षा की जाती है। उन्होंने भारत के लिए वास्तव में अच्छा प्रदर्शन किया है, टीम में आगे बढ़ने के लिए शुभ संकेत है। बैकएंड पर ऐसा कोई व्यक्ति चाहता था और हम जानते हैं कि उन्हें IPL में क्या किया है और उसने उसे भारतीय रंग में भी लाया है। आपको बता दें, भारतीय कप्तान रोहित शर्मा T20 प्रारूप में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए। उन्होंने 5 शतक लगा दिए हैं। उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए 69 गेंदों में नाबाद 121 रन बनाकर इतिहास रच दिया। उनकी इस पारी में 11 चौके और 8 छक्के शामिल रहे। वहीं इस मामले में दूसरे पायदान पर सूर्य कुमार यादव हैं, जिनके नाम T20 में 4 शतक दर्ज हैं। टीम इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप 2024 से ठीक पहले अपनी आखिरी सीरीज भी रोमांचक अंदाज में जीत दर्ज की। बेंगलोर में खेले गए सीरीज के आखिरी मैच में डबल सुपर ओवर देखने को मिला, जहां टीम इंडिया ने दूसरे सुपर ओवर में अफगानिस्तान को 10 रनों से हरा दिया। कप्तान रोहित शर्मा ने नाबाद 121 रनों की पारी खेली और वर्ल्ड रिकॉर्ड 5वें शतक और फिर दोनों सुपर ओवरों में विस्फोटक बैटिंग के दम पर टीम इंडिया ने सफलता हासिल की। दूसरे ओवर में रवि बिश्नोई ने 3 गेंदों के अंदर ही अफगानिस्तान के 2 विकेट हासिल कर लिए और टीम को ऐतिहासिक सफलता दिला दी। इस तरह टीम इंडिया ने 3-0 से अफगानिस्तान का सफाया कर दिया। टीम इंडिया ने रिकॉर्ड 9वीं बार किसी T20 सीरीज में क्लीन स्वीप किया है, जो सबसे ज्यादा है। तो आप भी रोहित शर्मा के उस बयान पर अपनी राय दीजिए, इस खबर को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस स्पोर्ट्स के साथ।